नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं। उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, उसके लिए एक कटोरी सूजी चाहिए, एक कटोरी चीनी, कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट, 4 चम्मच घी और कद्दूकस करे के गरी। उसके लिए गैस चालू करते हैं। सबसे पहले आपको सूजी को भूनना है हल्की आंच पे, ज़्यादा मत करना नहीं तो जल जाएगा और हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। इसमें 1 चम्मच घी डाल दें। अगर घी ना डालें तो वैसे भी भुन जाता है, पर घी से क्या है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए दोस्तों, ये हल्का ब्राउन हो गया है, भूंज के तैयार हो गया है। अब गैस बंद करके इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं, थोड़ा कम है 1/2 गिलास और डाल देते हैं। जिस कटोरी से हमने सूजी भूनी थी उसी नाप से हम इसमें चीनी डाल लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो और डाल सकते हैं, और कम चाहिए तो थोड़ा कम कर सकते हैं। हल्की गैस पे भूनना है। इसे हिलाते रहना है जब तक चीनी एकदम घुल ना जाए। चीनी घुल गई है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घूननी है। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें भुंजी हुई सूजी रखी है उसमें डाल देते हैं। गैस हल्की रखनी है, अगर ज़्यादा गैस करेंगे तो सूजी एकदम फूल के नहीं आ पाएगी। अगर धीमी धीमी गैस रखेंगे तो सूजी फूल जाएगी, तो हलवा बहुत अच्छा बनेगा। देखिए दोस्तों, इसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये फूल ना जाए, गैस कम रखेंगे। सूजी अच्छी तरह से भुंज गई है, देखना है कढ़ाई में बिल्कुल चिपक नहीं रही है। इसमें थोड़ा 2 चम्मच घी डाल देते हैं। 2 ही चम्मच बहुत है, कि 2 चम्मच हमने जब भूंजा था तब डाल लिया था इसमें, इसलिए ज़्यादा घी हो जाएगा। धीरे धीरे हिलाना है, धीरे धीरे हिलाना है सूजी को। देखो सूजी बन के तैयार हो गई है। इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं जो हमने थोड़े से काट के रखे हैं पहले से। कद्दूकस करके हमने गरी रखी है, इसे भी डाल देते हैं। थोड़ी सी गरी कद्दूकस करके रख लेना तो उसे प्लेट पर सजा देंगे। गैस को बंद कर देते हैं और हमारा हलवा बन के तैयार है। हलवा बन के तैयार है, गैस बंद कर दी है। अब इसे
किसी बॉल में निकाल लेते हैं। हलवा बनके तैयार है। थोड़े ड्राई फ्रूट हमने कद्दूकस के रख लिए हैं, गार्निश के लिए इसे डाल देते हैं। कुछ गरी रखी है कद्दूकस करके। हलवा बनके तैयार है, बड़ों को बच्चों को खिलाइए। बारिश के महीने में हलवा बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ पकौड़ी हो, सूजी के हलवा के साथ में चिप्स हों तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, और बताना कि मैं आपको पकौड़ी बनाना बताऊँगी।